कांग्रेस और भाजपा में कोई डिफरेंस नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हाँ, जया बच्चन जिसके पति ओम जय जगदीश हरे चल रहा था ना, अमिताभ बच्चन थे ना वहां मौजूद। अरे भाई, आप लोगों ने वो मंजर तो देखा है ना, जो मोदी जी के खास हैं, जो मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, जो मंदिर निर्माण में चंदा देते हैं, उनको अखिलेश यादव राज्यसभा भेजते हैं। तो ना ईडीए, ना पीडीए, ना सीडीए, मुसलमान को अपना वोट बहुत ही दिमाग को खोलकर और चलाकर देना। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भाजपा से मिले हुए हैं अखिलेश यादव, आपको क्या लगता है? सब मिले हुए हैं जी। हाँ। वो एक फिल्मी डायलॉग है, सब मिले हुए हैं। सिर्फ बेवकूफ बन रहा है यहाँ का मुसलमान, ठीक है। मुसलमानों को एक रास्ता अपनाना पड़ेगा और वो रास्ता सीधा मुड़ के जाता है ओवैसी, डॉक्टर अय्यूब और बदरुद्दीन अजमल की तरफ। एक बार जहां निर्णायक वोट आपका है, वहां तो आप किसी को हराना जिताना भूल जाइए। वहां आप 100% वोट जो है अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कीजिए। जहां आपकी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है या निर्णायक स्थिति में नहीं है, वहां प्रत्याशियों के चेहरे और उनके कैरेक्टर और किरदार को देख लीजिए जरा सा, तब वोट कीजिए। ये कहना कि भाजपा को हराएंगे, दुश्मनी का माहौल खड़ा करके, एक दुश्मन को हराकर दूसरे दुश्मन को हम नहीं जिताएंगे। हो सकता है कहीं भाजपा के भी अच्छे उम्मीदवार हों, नितिन गडकरी की तरह, हम उसको भी जिता सकते हैं, जिताना चाहिए अच्छे लोगों को। अब ये मुसलमान को पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। भाजपा को हम क्यों अछूत बनाए? हमने भाजपा को अछूत बनाया, इन सेकुलर पार्टियों ने हमें अछूत बनाया, हमें मंच से उतारा, अखिलेश ने मंच से उतारा, तेजस्वी ने मंच से उतारा, सबने हमें मंच से उतारा। कोई हेलीकॉप्टर पर घूमने वाला मुसलमान बताइए नेता, कौन बचा, किस पार्टी में बचा? दरी बिछा रहे हैं। तो हम दरी बिछाएंगे तो अगर भाजपा का बिछाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, बात समझिए, बेवकूफी मत कीजिए। अगर दरी ही बिछाना है तो भाजपा का बिछाए, सत्ता की तरफ, ताकत की तरफ। देखिए, सीखिए, यही राजपूत है, यही राजपूत है योगी जी की बिरादरी। मुगल के दरी बिछाने लगे थे, मुगल का हरम सजाने लगे थे, सब कुछ इनको मिला। हम खामखा की लड़ाई ना करें, हमको दिमाग से चलना पड़ेगा, हाथ पैर जुबान से मेरा मसला हल नहीं होगा। वकील नहीं बन रहे हैं, लोग कहेंगे आपको भी कुछ पेटी पैसा। नहीं नहीं, पेटी वो तो, यही तो मुसलमानों में एक टीम खड़ी ऐसी हो गई है जाहिलों की, हर बात पे इसको कुछ मिला होगा। अबे यार, अगर ऐसे ही मिलने लगे तो तू भी आ भैया, तू भी मेरे बगल में बराबर में खड़ा हो, मैं अकेला क्यों खाऊं, तू भी खा ले भाई। ये बेकार की बात है। पैसे मुसलमान को कहीं नहीं मिलते, सुनो बड़ी बात, पैसे मुसलमान को टीवी पर भी नहीं मिलते। ये जो भी मौलाना जा रहा, अल्लाह समझे इनके बारे में क्या मिलता नहीं मिलता, हमें तो आज तक नहीं मिला और हमें किराया भी नहीं मिला टीवी वालों से, जिसकी वजह से मैंने छोड़ भी दिया। सुन लो, कैमरे पर बोल रहा हूँ, मांगने पर नहीं मिला, चूंकि मैं उनकी गाड़ी नहीं लेता हूं। मैंने कहा मैं किराया लूंगा ओला का, मैं अपने मन से आऊंगा, अपने मन से जाऊंगा, मैं किसी के दबाव और किसी की गाड़ी भी नहीं, आज तक नहीं मिला, मांगने पर नहीं मिला। मैं नाम बता रहा हूँ, रिपब्लिक टीवी पर 2 साल से किराया मांग रहा हूं, नहीं दिया, कल दूंगा, इस महीने में दे दूंगा, उसमें मैंने छोड़ दिया। टाइम्स नाउ, ना भारत, किराया मांग रहा हूं, किराया, ये कैमरे पर बोल रहा हूं, बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूं, नहीं मिला मुसलमान को, नहीं मिलता। और पंडित हमको कह रहा कि हम तो 5,000 पैसा नहीं देगा तो क्यों आएंगे, इसका मतलब वहां भी हिंदू मुस्लिम है, हिंदू को मिल रहा मुसलमान को नहीं मिल रहा। मोदी जी या भाजपा या आरएसएस किसी मुसलमान को कुछ दे रहे, हाँ लॉलीपॉप दे रहा, कोई किसी को दे कुछ नहीं रहा। हम जो बोल रहे हैं वो अंतर आत्मा की आवाज है, हालात को देखकर। टकराने से अच्छा है, टकराओगे तो चकराओगे बेटा, ये जान लीजिए, टकराने दो उनको, अगर वो न टकराते हैं तो हम भी न टकराएंगे। सत्ता से टकराना कोई अकलमंदी की बात नहीं है। किसान प्रताप बड़े ने हल्द्वानी पे ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का खामियाजा यहाँ पर लोग भुगत रहे हैं और भाजपा जो है वोट की वजह से कर रही है। नहीं, वो तो वो इमरान प्रताप गरी ने सही कहा, जब पूरे भारत के मुसलमान कांग्रेस को वोट देने का ही खमियाजा भुगत रहे हैं। इमरान प्रताप गरी जी, आप इतना जान लीजिए कि पूरे भारत के मुसलमान जो आज जहां खड़े हैं वो कांग्रेस को एक मुश्त वोट देने के वजह से ही खड़े हैं। कांग्रेस को नहीं खड़ी, मणिपुर चलेगा, हल्द्वानी दूर था, नहीं कांग्रेस जाएगी ना, फिर वही तो बात, उसी का तो खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मतलब अभी आप नहीं समझे, कांग्रेस को वोट देने का एग्रेशन दिखाएंगे आप, जो कांग्रेस आपकी है नहीं उसके लिए जबरदस्ती लड़ेंगे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, समझिए ना, तो आपको तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब ये बात होती है कि कांग्रेस को नहीं देना चाहिए वोट, तब लोग कमेंट बॉक्स में लिखने लगते हैं, आपके भी लिखेंगे, फिर किसको दें वोट,
अरे भैया ये कोई सवाल है? बेवकूफ हो क्या? रोटी नहीं खाते हो क्या? तुम्हें ये पता नहीं कि मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, बवंडी, गवंडी, अलीगढ़, हाथरस कोई शहर है ही नहीं जहां दंगे ना हुए हो? कांग्रेस ने कराया, भून दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, लूट लिया, तमाम तरह की कमेटियां, बाबरी मस्जिद, जो राम मंदिर का निर्माण अभी हुआ है, जो 22 तारीख को मोदी जी बनाए, वो सब कांग्रेस ने किया। अब सवाल है दिमाग चलाओ और दिमाग चला के माहौल बनाओ। माहौल बनाने के लिए किसी के खिलाफ तीर कमान लेके खड़े हो जाओगे तो माहौल नहीं बनेगा। माहौल ना हाथ से बनेगा, ना जुबान से बनेगा, दिमाग से बनेगा। और दिमाग ये कहता है कि हमें हिकमत के साथ हर इलाके की पॉलिसी अलग है। पूरे भारत में एक फार्मूला नहीं चलेगा। केरल में हम नहीं कह रहे हैं आपको को वैसी साहब को दीजिए, वहां जो दो धड़े हैं दोनों में मुस्लिम है, एक में मुस्लिम लीग है, एक में इंडियन नेशनल लीग है, ठीक है, एसडीपीआई वगैरह है, तो दोनों धड़ा केरल में फिट है, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह बिहार में जब एमआईएम जिस सीट पर भी है, अगर एमआईएम किशनगंज लड़ती है, एमआईएम अगर कटिहार लड़ती है, एमआईएम अगर अररिया लड़ती है, तो एमआईएम को इन तीन सीटों पर मुसलमान को 110% वोट कर देना चाहिए। तीन सीट फिट है लड़ने को, तो हम कह रहे हैं 6-7 सीट लड़नी चाहिए ओवैसी साहब को, यूपी में भी 10 सीट लड़नी चाहिए, डॉक्टर अयूब साहब से मिलके, लेकिन अकेले नहीं, डॉक्टर अयूब साहब से मिलके पीस पार्टी, एमआईएम, कम से कम आपस में तुम तो मिल जाओ भाई, मिलके लड़िए 10 सीट पर। और अगर बहन जी से गठबंधन इनका हो जाए तो 80-80 हम लोग माने लड़ेंगे, और मेरा दावा है 50 सीट जीत रहे हैं, 50 सीट आज मैं कह रहा हूं, लोग हंसे। अगर एमआईएम, पीस पार्टी और बीएसपी ये तीनों का गठबंधन हो जाए, मैं मोदी लहर की हवा ना निकाल दूं, मैं 50 सीट जीतने की बात कर रहा हूं, मैं 50 सीट, 50 सीट दिखा रहे हैं आप, ख्वाब नहीं हकीकत दिखा रहा हूं। ओवैसी साहब अगर सुन रहे हैं तो मैं ओवैसी साहब को भी कह रहा हूं, डॉक्टर अयूब साहब को भी कह रहा हूं, और बहन जी को भी कह रहा हूं, आप तीनों मिल जाइए, किसी कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, असपा, लसपा, तसपा की जरूरत है ही नहीं, सब पा को पा कह दीजिए, ठीक है, टाटा बाय बाय, हम खुद ही जीत लेंगे, सक्षम हैं हम। आज भी दलितों का बड़ा वर्ग बहन जी पर अपना फेथ करता है, अपना लीडर मानता है। आज भी मुसलमानों का बड़ा तबका ओवैसी साहब को अपना लीडर मानता है, वोट दे या ना दे। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे, डॉक्टर अय्यूब साहब भी मिलेंगे, तो एक मैसेज जाएगा मुसलमानों में, करंट आएगा, ओए अब तो हम दलित मुस्लिम भाई भाई। तो सिर्फ दलित और सिर्फ मुस्लिम 34% प्लस है यूपी के अंदर। जब दलित मुस्लिम मिलके हम लड़ेंगे 80 सीट पर, तो उसमें 30 सीट अपर कास्ट और पिछड़ों को टिकट भी तो देंगे, उसकी कुछ तो जातियां आएंगी ही, वोट में तब्दील होंगी। तो ये माइनस प्लस का गणित ऐसा है कि 50 सीट हम जीत लेंगे, उस 50 सीट में 40 से 45 सीट बसपा जीत लेगी, 5-6 सीट इन लोग जीत लेंगे आराम से। लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये परेशानी की बात। 24 का चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर आजमा रही हैं, इंडिया अलायंस एक तरफ टूट रहा है और खुद कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं, तो कैसे बीजेपी से लड़ पाएंगे लोग? नहीं नहीं, बीजेपी से कांग्रेस तो कभी लड़ ही नहीं सकती है। कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को, कांग्रेस के पीछे जो जो भाग रहा है वो समझिए या तो बेवकूफ है, या जानबूझकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए भाग रहा है, चाहे वो तेजस्वी भाग रहे हो। या अभी बिहार में कांग्रेस अकेले लड़े, आरजेडी जीतेगी 15-20 सीट, और कांग्रेस से मिलकर लड़ेगी तो जीतेगी 10 सीट के अंदर, सब समा जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्या, हाँ तो ठीक है राहुल, वो तेजस्वी भी जीप पे बैठे हुए हैं, गए काम से। मैं बताता हूँ गणित, राजनीति इन लोग को अगर आ जाता, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, अपर कास्ट वोट डिवाइड होगा, पिछड़ा का वोट अगर कुछ भी पड़ गया 30-40% भी तेजस्वी को, तो उतने में सीट निकल जाएगा मुसलमान के साथ। लेकिन जब कांग्रेस इनके साथ लड़ेगी तो अपर कास्ट टोटल वोट यूनाइट होकर टोटल भाजपा की तरफ जाएगा। इंडिया अलायंस का टूटना, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना, कहीं ये तो नहीं कि मोदी ने कहा जीत की गारंटी और मोदी की गारंटी के साथ जुड़ना? नहीं, वो सब अपर कास्ट देखिए पहले से मन, वो भाजपा के ही लोग हैं। कमलनाथ गए थे बाबा बागेश्वर के यहाँ, मैंने विधानसभा चुनाव से पहले सवाल पूछा था, आप लोग ने शायद लिया भी था इंटरव्यू। मैंने जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश हो रहा था, मैंने कहा संविधान की बात करने वाले, मनु स्मृति की बात करने वाले के दरबार में क्यों गया? जो डंके की चोट पे बाबा कह रहा है कि हम संविधान नहीं मानते, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके दरबार में पैर छूने कमलनाथ गए थे। आज पता चल गया क्यों गए थे छूने, बीजेपी को जिताने वाले कमलनाथ हैं वहां। बीजेपी जीत नहीं रही थी, सारा सर्वे वहां कांग्रेस को जिता रहा था, लेकिन कमलनाथ ने पूरी ताकत लगाकर बीजेपी को जितवा दिया।
उसमें राहुल भी शामिल है। तब मैंने कहा था कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं, कमलनाथ सीएम कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, पिछड़ा होना चाहिए, दलित होना चाहिए। आप दलित पिछड़े को आगे बढ़ाएंगे नहीं। राजस्थान में जीती हुई सीट इन्होंने दी है। अशोक गहलोत भी भाजपा में जा सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आप लगा देना, अशोक गहलोत भी भाजपा में जा सकते हैं, कुछ अनहोनी नहीं है। राहुल गांधी भी जा सकते हैं और ना जाके भी काम वही कर रहे हैं भाजपा का। कांग्रेस और भाजपा में कोई डिफरेंस नहीं है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है।